हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सी एस मोटो व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी 5-10 मिनट में। अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, 5-10 मिनट में निकलेंगे। और टोटल सफ़र है 250 किलोमीटर के अराउंड का रफली। एंड गुवाहाटी में हम एक स्टॉप लेंगे एंड उसके बाद कोशिश करेंगे कंटिन्यू काजीरंगा पहुँच जाएँ। काजीरंगा में ऑलरेडी होटल बुक हो गया, जाके आपको होटल दिखाता हूँ। ऑलरेडी ऑल सेट टू गो, बैग्स वैग्स बांध लिए, सब हो गया है। करण सर, अभिषेक सर, वी आर लीविंग टू शिलोंग, सॉरी वी आर लीविंग फ्रॉम शिलोंग टू गुवाहाटी एंड देन टू काजीरंगा। भाई हम लोग पहुंचे कहीं गुवाहाटी के आसपास ही है, 30 किलोमीटर से यहाँ से 30-35 बचा है नॉनपोंग ना, नॉनपोंग में। और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट में रुके, बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो ब्रेकफास्ट में हमने लिए छोले भटूरे, कचौरी, और करण ने भी छोले भटूरे लिए हैं। यहाँ से फटक से ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। तो अपना जो ब्रेकफास्ट हो गया है एंड यहाँ पे गाने बज रहे थोड़े थोड़े ज़ोर से, तो कुछ पता नहीं सुनाई दे रहा कि नहीं, बट हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर जगह थी अमित नोंगपो में, अमित करके ये रेस्टोरेंट था। बहुत सही खाना था, मतलब जो भी खाया तीनों चीज़, चारों चीज़, कॉफ़ी, चाय, सब कुछ बहुत बढ़िया था। मच रिकमेंडेड, दिस इज़ द प्लेस। यहाँ से इसका एंट्री अंदर से। एंड काफ़िला रेडी है वापस चलने के लिए। ये करण, इधर अभिषेक है, थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग हो रहा है एंड निकल जाएंगे 5-10 मिनट में मैक्स। अपडेट, जो गाड़ी का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। वो वाली गाड़ी में तो उन्होंने बोला जस्ट एयर प्रेशर करवा लो, सही हो जाएगा। एंड ये गाड़ी हमें दूसरा मिल गया जिसके अंदर साइलेंसर का इशू हो गया था, तो वो लोग ये वाली गाड़ी लेके गए हैं। वो वाला साइलेंसर जिसका फट गया था वो वाली गाड़ी लेके गए हैं। सो हम लोग निकल रहे हैं अभी गुवाहाटी से काजीरंगा की तरफ 150 किलोमीटर। बीच में कहीं रुके तो आई विल कैच द कैमरा। सो करंट अपडेट टाइम इज 12:05 आफ्टरनून, सन इज हाई अप एंड हम लोग अभी रुक गए हैं रास्ते में। थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन एक हो गया था, जो कि था कि हमें लगा था गुवाहाटी टू काजीरंगा इज़ 150 ऑलमोस्ट, बट नो इट इज़ 200 किलोमीटर्स। और अभी तक हमने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, 150 मोर टू गो। कोई बड़ा बात नहीं है, कर लेंगे फटाक से। तीन लोग हैं हम चलाने वाले, बारी बारी चला रहे सब लोग। तो 150 मोर किलोमीटर्स टू गो। और अभी हम रुके हैं ढाबे में यहाँ पे थोड़ा सा, कि कुछ तो रिफ़्रेशमेंट कोल्ड ड्रिंक टाइप पी लेंगे, ऐसा कुछ चाहे भाई, और फिर आगे निकलेंगे। एंड हियर आर द गाड़ीज। एंड हाँ, ऑल्सो जो ये दूसरा वाला गाड़ी हमें मिला, इट इज़ इन गुड कंडीशन और इसने अच्छा अभी परफॉर्म किया, मतलब 60-70 की स्पीड इजीली जा रही है डबल सीट पे। नेक्स्ट अपडेट, द टाइम राइट नाउ इज़ 152 एंड हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 50 किलोमीटर्स दूर रहेंगे अभी काजीरंगा से। 50 किलोमीटर्स टू गो एंड गाड़ियाँ यहाँ पे है। जस्ट टुक अ ब्रेक एट द साइड ऑफ द रोड, यहाँ पे रोड है, दिस वाज अ ढाबा काइंड ऑफ रोड के साइड में। वहाँ पे खाएंगे, लंच करेंगे, लंच टाइम हो गया है। एंड फिर उसके बाद निकल जाएंगे बस 50 किलोमीटर, मतलब एक घंटा और हार्डली। और लास्ट के आई थिंक 70 किलोमीटर्स हमने सिर्फ एक घंटे में कवर किए हैं, मेंटेनिंग अ वेरी गुड स्पीड, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे पे। बीच में पाँच एक मिनट का एक छोटा सा यू नो डाइवर्जन या ऐसा कुछ आता है, बाकी रोड्स 95% रोड्स आर मक्खन, एकदम मक्खन। एंड दिस इज़ द प्लेस हम लोग यहाँ पे खाना खाने वाले हैं अभी। ऐसा है सो इट्स अ नाइस प्लेस, वॉशरूम्स आर सुपर क्लीन एंड मैंने यहाँ पे बहुत ही सही चीज़ अभी स्पॉट किया है। जस्ट शो यू गाइस, लुक एट दीज, ये फील्ड्स, आई थिंक सरसों के फूल हैं ये, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट ये सरसों के फूल। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऊपर बेलें करके रखी है ताकि शायद टमाटर या कुछ यहाँ पे लगाते रहेंगे, नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज यहाँ का थोड़ा सा ये सब है, मतलब
वेजिटेशन है वो डिफरेंट है हमारी साइड से, बट दे लुक सो गुड, दे लुक रियली गुड भाई। तो ये है यहाँ की वेज थाली, इसके अंदर क्या क्या है, बैंगन का चोखा है हाँ, और ये चटनियाँ वटनियाँ है कुछ, कच्चू का चोखा। कच्चू कच्चू क्या होता है? कच्चू होता है वो गोल गोल होता है ना, उधर क्या बोलते हैं गोल गोल, क्या गोल गोल बहुत चीज़ होती है। अरे आंवला तो उसको अलग सा नाम होता है, ब्राउन ब्राउन होता है ऊपर, अंदर वाइट होता है। नारियल होता है ऐसा? तो नहीं नहीं, जमीन के अंदर होता है बड़ा बड़ा। आलू आलू, अच्छा समझे, कचालू बोल रहे हैं? नहीं नहीं कचालू नहीं भाई, चीकू। चीकू जमीन के अंदर कब से होता है भाई? कौन सा चीकू जमीन के अंदर होता है? और फिर ये अरबी, अरबी, हाँ अरबी, तो ये अरबी का है हमारे। और ये क्या है? ये तो बीटरूट वाला लग रहा है मेरे को, गोभी की सब्जी, और ये आलू की सब्जी, ये चटनी, दाल, दाल पार्ट टू, और बहुत सारा राइस। ये है इधर की वेज थाली और सलाद साथ में। ये नींबू है ना भाई? हाँ। ककड़ी। करंट टाइम 2:32 और हम लोग यहाँ पे खाना खा चुके हैं एंड हम लोग निकल रहे हैं अभी वापस। आई थिंक 70 मोर किलोमीटर्स टू गो, तो कितना लग जाएगा, एक घंटा डेढ़ घंटा मैक्स, डेढ़ घंटा लगा तो भी 4 बजे से पहले पहले हम लोग पहुँच जाएंगे। दिस वन इज़ द सेकेंड फ्यूल ब्रेक फॉर टुडे। फर्स्ट वाली में शूट नहीं कर पाया था, फर्स्ट में 500 रुपये का दोनों स्कूटी मिला के डला था, अब शायद थोड़ा ज़्यादा डल गया, 650-650 तक होना चाहिए। एंड हम लोग स्कूटी थोड़ी भगा रहे हैं तो एवरेज ज़्यादा नहीं दे रही है, 150-200 किलोमीटर कर रही है एक फुल टैंक में, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कर रही है ना एक टैंक में अपने को, एक टैंक में, हाँ 150 किलोमीटर कर रही है एक फुल टैंक में। तो भाई लोग हम लोग काजीरंगा पहुंचने वाले हैं, सामने देखिए स्पीड कैम लगा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल कॉरिडोर। वैसे हम लोग ने अभी यहाँ पे काजीरंगा का फर्स्ट राइनो स्पॉट किया, आपको दिख रहा है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ये सामने है और यहाँ पे और भी है, 3-4 हैं एक्चुअली। स्पॉट किया एक राइनो बहुत अच्छे से, ये रहा वैसिन सीट राइट, hours later. तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं काजीरंगा में और सेंट्रल जोन के पास, कोहरा करके है सेंट्रल जोन के पास, वहाँ पे हम रुके हुए हैं। एंड टाइम राइट नाउ इज 4:32, हम सुबह निकले थे भाई, फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस हो ना भाई, हाँ 4:32 हम लोग सुबह निकले थे, अराउंड 7:30 आधे घंटे का हमने स्टॉप लिया था गुवाहाटी में, और ऑलमोस्ट आधे घंटे का हमने स्टॉप, आधे पौने घंटे का स्टॉप लिया था खाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर तेज़ी से हम लोग आए हैं यहाँ पे, काजीरंगा पहुँच गए हैं एंड दिस इज़ आर रूम, एंड इट्स नॉट अ होटल रूम, इट्स अ होम स्टे, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे ही सस्ते हैं आई थिंक, होटल थोड़े महंगे हैं। और बाहर का मैं आपको दिखाऊँगा, इट्स काइंड ऑफ अ विलेज, इट्स वेरी नाइस प्लेजेंट हेयर, इनके जिनका होम स्टे उनके घर पर गाय वाय भी है वहाँ पर सब कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो सब थोड़ी देर बाद, पहले फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं थोड़ा, उसके बाद मिलते हैं। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि हमारी जो एलिफेंट और जीप की सफारी जो बुकड है वो 2 रेंजेस में, एक वेस्टर्न रेंज में और एक कोहरा में सेंट्रल रेंज में। तो जो वेस्टर्न रेंज है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स है, हमने आते आते देखी, एंड कोहरा इज़ लाइक 500 मीटर्स फ्रॉम है, बहुत ही नज़दीक है कोहरा। तो भाई हम लोग सेटल हो गए थे अच्छे से होम स्टे में, नहा धो लिए, फ्रेश हो लिए, और उसके बाद बाहर आए अभी चाय पीने के लिए, एंड साथ में करण अभिषेक भाई कैमरा को देख के हाथ ही लाएगा। तो खाना लग गया है अपने पीजी में, होमस्टे में खाना मिला साथ में, मतलब आई थिंक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा शायद। तो ये है दाल सब्जी, एक सब्जी टू और रोटी सबकी प्लेट में, और ये एक्स्ट्रा भी यहाँ पे है सब कुछ, रोटी वहाँ पे है एक्स्ट्रा बहुत सारा, ठंडा हो जाएगा। और ये करण, करण सच्चाई ब्लॉग, सच्चाई बताना थोड़ी, रोटी की 2 रोटी है मस्त, नहीं नहीं ऊपर वाला करण ऑलरेडी खा चुका था इसने रोटी वापस जोड़ा है ब्लॉग के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं, और कल का ब्लॉग रहेगा काजीरंगा वेस्टर्न जोन सुबह में एलिफेंट सफारी का, और शाम में सेंट्रल जोन में जीप सफारी का। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा इसको दीजिए एक लाइक, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अंटिल देन बाय बाय।